अच्छा, ये बताओ कि आप अपने रिज्यूमे में, अगर आपको सपोज रिज्यूमे बनाने को दिया जाए, तो आप उसमें क्या क्या डालोगे, क्या क्या लिखोगे? उत्कर्ष, चलो बताओ। पहले मैम सबसे पहले तो मैं अपनी ईमेल लिखूंगा। सुनो सुनो, अब मैंने तुम लोग को बता दिया ना कि कैसे लिखा जाता है, चलो उसको रफ कॉपी में लिख के दिखाओ जरा। कि एक मैं गो थ्रू करना चाहती हूँ कि तुम लोग को क्या समझ आया कि कैसे क्या लिखते हैं मैम रफ मतलब कॉपी में। मैम सिर्फ हमें अपना नाम ही लिखना है या फिर हमें और कुछ भी लिखना है? सब लिखना है बेटा, करियर ऑब्जेक्टिव कि तुम लोग की क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब जो तुम लोग कर रहे हो या पढ़ रहे हो सब लिखो। लिखो, देखूं मैं कैसा सा लिख रहा हूँ। आप रिपीट करिए ना। नहीं मैं कह रही हूँ कि आप जो मैंने आपको, मैम, मैं वो नहीं बोल रही, मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं था इसलिए मेरा थोड़ा मिस हो गया। मैम हमें एक्सपीरियंस अपने मन से लिखना है। मैम हाँ कुछ भी लिख दो एक्सपीरियंस की, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, जैसे तुमने 9th तक पढ़ाई है तो लिख दो कि स्टडी 9th से क्लास। हमें इसमें अपनी ईमेल भी लिखनी है। हाँ मैम जैसे इसमें फोन नंबर भी लिखा हुआ है, हमें अपना फोन नंबर भी लिखना है। हाँ आपको अपना एड्रेस एड्रेस लिखना है और ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें लिखनी है कि आपका क्या करियर ऑब्जेक्टिव है, एवरीथिंग। मैम मैं अपना मम्मी का नंबर लिख सकता हाँ हाँ चलेगा। हूँ? यस मैम, आ रहा हूँ। अगर कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत होती है या कोई वर्ड जो इंग्लिश में कैसे बोला जाता है नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेना। मैम ये सॉफ्ट स्किल क्या होती है? कहाँ पे लिखना है? हाँ सॉफ्ट स्किल्स मतलब हमारा क्या क्या हमारी स्किल्स हैं, जैसे रिक्रूटिंग है, मतलब हम मैं मेरे अंदर स्किल्स है कि मैं किसी को नौकरी पे अच्छा इंटरव्यू ले सकती हूँ किसी को नौकरी पे रखने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस है, इंटरव्यूइंग है, कम्युनिकेशन है, मतलब मैं बात अच्छी कर लेती हूँ, ठीक है, ये सब है। मैम मैं क्रिकेट लिख सकता हूँ कि मैं अच्छा क्रिकेट खेल लेता हूँ? नहीं, फिर उसके बाद ये लिखा थोड़ा बहुत सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स मत लिखो, सॉफ्ट स्किल्स लिख लो, लैंग्वेजेस लिख लो, फिर तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है ये सब। मैम लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं? सॉफ्ट हाँ हाँ चलेगा। स्किल सॉफ्ट स्किल बेटा ये होता है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आप क्या क्या कर सकती हो। ओके मैम, हमें एजुकेशन में ये लिखना है कि मैम हमने कब एजुकेशन स्टार्ट करी, कितने साल से? जैसे आप उसमें ये लिखोगे कि आपने 10th कहाँ से किया है, आपने 12th कहाँ से किया है। मैम सॉफ्ट स्किल में टॉकिंग टॉकिंग टू मतलब हमें ऐसा बोलना है कि हमें बोलना कम्युनिकेशन मैम, हमें ऐसा सॉफ्ट स्किल में ऐसा लिखना है कि हमें बोल मतलब हमारे यहाँ बोलने की स्किल है। ओके हाँ, तो कम्युनिकेशन बोलते हैं ना उसे। मैम, मैंने तो सॉफ्ट स्किल में बोलने को मैम मैंने तो लिखी है टॉक रियली गुड। तुम कम्युनिकेशन डालो बेटा, वो कम्युनिकेशन ज्यादा सही करता है, सही रहता है। उत्कर्ष और ऋतुजा ही बोल रहे हैं, मनोज नहीं है क्या क्लास में? मैम है, यस मैम मैं हूँ, लिख रहा हूँ। अच्छा उत्कर्ष, आपको सब समझ आ गया है मनोज? यस मैम, इसे हटा दूं अभी? यस मैम। मैम एक्सपीरियंस में कैसा लिखा है? एक्सपीरियंस जैसे अगर मान लो तुमने कहीं और काम किया है तो तुम एक्सपीरियंस अपना डाल सकती हो, और अगर तुमने काम नहीं किया है, तुम फ्रेशर हो, मतलब तुम नई नई ज्वाइनिंग कर रही हो, तो तुम एक्सपीरियंस मत लिखो। ओके मैम, एक्सपीरियंस डाल के हम मतलब आई एम फ्रेशर ऐसे लिखेगा? एक्सपीरियंस डालो ही मत। ओके मैम। मैम वो तो हट गया स्क्रीन से। यस हाँ मैंने ही हटाया, देखना है क्या? ओके मैम, देखो, खुद से लिखना है, डोंट कॉपी इट फ्रॉम हियर। ओके
खुद से ही लिख रहे मैम। हाँ ठीक है तब। मैम मैंने एजुकेशन तक डाल दिया मैम, अब एडिशनल एक्टिविटीज ये सब भी डालना है। हाँ मैम मैंने एजुकेशन तक कर लिया मैम, अभी एडिशनल एक्टिविटीज सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशंस भी डालना सब। अगर जैसे तुमको किसी कोई सर्टिफिकेट मिला है ठीक है, तो वो तुम डाल सकते हो, अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, रहने दो। हाँ और मैम एडिशनल वो एक्टिविटीज, एडिशनल एक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे तुमने ये ऊपर के सिवा और क्या किया है, जैसे इसने लिखा है वॉलंटियर्ड टू हैंडल टेंथ स्टाफिंग फॉर लोकल यूथ ग्रुप, इन्होंने वॉलंटरी किया था, वॉलंटियर थे ये, फिर उसके बाद इन्होंने असिस्टेड विद इंडिविजुअल, फिर इनका एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था जिसको इन्होंने लोगों को इंटरव्यू करने में असिस्ट किया था, मतलब हेल्प की थी। तो ये है। हाँ मैम ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं करा मैम, तो फिर मत डालो। मैंने एजुकेशन तक लिखा है तो आपको भेज दूं हाँ मैम, ग्रुप पे भेजना पर्सनल नंबर पे। पर्सनल मैम मुझे भी एडिशनल एक्टिविटी नहीं आ रही, मुझे मेरा हो गया, मैं डाल दूं क्या ठीक है हाँ भेजो। हाँ मैम? एजुकेशन हम फ्रेशर है तो एजुकेशन हमारे कॉलेज का नेम डाले हम। वहां पे अगर तुम जैसे कर रहे हो ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे तुम लोग डालोगे परसों ही। क्या मैम? जैसे मान लो तुम अपना 10th कर चुकी, 12th कर चुकी, अब तुम कर रही हो अपना कॉलेज ठीक है। यस मैम। सपोज मतलब मैं एक चीज बता रही हूँ, तुम अपना कॉलेज कर रही हो तो वहां पे तुम डालोगी एक वर्ड परसुइंग, ओके मैम। PERSUING। परसुइंग का मतलब होता है कि तुम अभी BA कोर्स कर रही हो। जैसे तुम ओके मान मैम। लो 10th में हो ठीक है, तो वहां पे तुम डालोगी एजुकेशन में परसुइंग 10th, परसुइंग क्लास 10th, और जो भी तुम्हारा स्कूल या कॉलेज का नाम हो वो सब। ओके मैम। और भी रिज्यूमे होते हैं, रुको मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। आज तुम लोग सर्च करना जरा गूगल पे रिज्यूमे, टाइप्स मैम ऑफ मैंने आपको रिज्यूमे, दिया और फिर मुझे बताना कि कल तुम लोग आज तुम लोग ने क्या क्या देखा ठीक है। ओके मैम। किसका रिज्यूमे देखना है, कोई एग्जांपल बताओगे बेटा? मैम एमबीए, देखो फ्रेशर, मैम समझ लो तुम फ्रेशर हो, तुमने आज तक कोई नौकरी नहीं की, कुछ नहीं किया, और बस तुम नौकरी करने की तलाश में हो, तो तुमने अपना रिज्यूमे बनवाया और फिर जा रहे हो वो करने। तो ये देखो ये रिज्यूमे है, नेम सबसे मैम, पहले है। हाँ फ्रेशर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का मतलब उस चीज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एक पर्टिकुलर चीज का। फ्रेशर मतलब पर्टिकुलर नहीं, मतलब जैसे कि तुम्हारी स्टडीज अभी अभी खत्म हुई हैं और तुमने कोई भी नौकरी नहीं की है। ओके मैम, हाँ या तुम ये भी कह सकते हो कि मान लो तुम जा रहे हो मार्केटिंग के लिए ठीक है, तुमने अपनी मार्केटिंग मार्केटिंग कंप्लीट की और फिर तुम जा रहे हो नौकरी के लिए देखने, तो तुम हर जगह अपना रिज्यूमे भेज रहे हो, तो हाँ तुम ये भी बोल सकते हो कि तुम उस चीज में फ्रेशर हो। जैसे मान लो तुम मार्केटिंग कर रहे हो और तुमने पढ़ा है MBBS ठीक है, तुमने पढ़ी डॉक्टरी, अब तुम जा रहे हो MBBS के लिए, तो तुम वो मार्केटिंग के लिए तो फ्रेशर हो ना। यस मैम। हाँ तो तुम डाल सकते हो। अब देखो मैम मतलब उस चीज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, तुम्हें उस चीज के बारे में A to Z कोई नॉलेज नहीं है और ना तुमने कभी वो चीज की नौकरी की है। देखो ईमेल सबसे पहले आपका नेम रहेगा, फिर कांटेक्ट यहाँ पे रहेगा, फिर ईमेल, फोन, एड्रेस ठीक है, फिर करियर ऑब्जेक्टिव होता है ये आपका कि आप हमारे कंपनी में क्या कर पाएंगे,
टू सक्सीड इन एन एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सीलेंस एंड अर्न अ जॉब विच प्रोवाइड्स मी, मतलब कि ये मेरा एम है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है अगर मैं कहीं भी काम करूँ तो. फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इन्होंने किया है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, मतलब सीएस, तो इन्होंने इस यूनिवर्सिटी से किया. फिर इन्होंने 12th किया, फिर इन्होंने 10th किया, ठीक है. फिर देखो इंटर्नशिप इन्होंने की, ठीक है. फिर उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए. अगर आपका कुछ नहीं है तो आप प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स मत डालो. ओके मैम, मैंने आपको भेज दिया था करके. हाँ एक सेकेंड में देख, मैम मैंने भी भेज दिया. हाँ हाँ देख रही हूँ. मुझे लगता है ये तुम लोग के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मतलब ये जो मैंने तुम लोग को दिखाया ना वो तुम लोग के अभी तुम लोग नया नया सीख रहे हो, तो आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा हाई उसका स्टैंडर्ड का हो गया है. मैं तुम लोग को एक सिंपल सा दिखाऊं, वेट, एक बहुत सिंपल सा है, आई डोंट नो है कि नहीं है, मैं शेयर करती हूँ, ठीक है. वो मेरा ही है एक्चुअली, मैं तुम लोग को दिखाती हूँ. हमारा जो होमवर्क वाला ग्रुप है ना, मैं उसमें शेयर कर रही हूँ. मैम वो रिज्यूमे किसका है, आपका है? हाँ ये मेरा है बेसिक सा, देखो जब मैं बहुत पहले काम करती हूँ. लेकिन ओपन इट, अपने फोन में ओपन कर लो प्लीज. क्या होता है फॉर्मेट, सबसे पहले यू यूज टू राइट योर नेम, फिर अपना एड्रेस लिखोगे, फिर अपना वहीं पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल लिखोगे, ठीक है. फिर आपका रहेगा करियर ऑब्जेक्टिव, फिर आपका रहेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन. एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन सेंस होता है कि आपने क्या क्या पढ़ाई की है, ठीक है. फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है. वर्क एक्सपीरियंस तक हो गया. फिर आपकी की स्किल्स क्या है, की स्किल्स मतलब कि आपकी खासियत क्या क्या है. तो आपकी खासियत समझ लो आप, मैं अब जैसे मैंने लिखा है सपोज कि पेशेंट हूं मैं, ठीक है. मेरे अंदर पेशेंट मतलब समझ रहे हो, सॉरी पेशेंस, पेशेंस yes, है मेरे अंदर, पेशेंस मतलब समझ रहे हो आप पेशेंस को, yes, मतलब मेरे अंदर सब्र है, सब्र. हाँ फिर अडाप्ट एट अ वर्किंग एट अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट फॉर वर्किंग विद. अब देखो मुझे मतलब कि टाइम लिमिट में काम करना सही सही लगता है. मेरी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ये सब स्किल्स मतलब आपकी क्वालिटीज आप उसमें लिखोगे, ठीक है, आपकी अच्छी क्वालिटीज, ठीक है. और फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, और आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है. सिंपल, दैट्स ऑल. समझ आया? यस मैम. आई थिंक ये ज्यादा इजी होगा ना, कि वो पहला वाला, वो पहला वाला था मैम. यही इजी है, वो पहला वाला बहुत हार्ड जा रहा है. हाँ वो पहला वाला आई थिंक वो हार्ड जा रहा था. ये वाला आई गेस ये वाला इजी है, एंड यू विल बी एबल टू ग्रैब इट फास्ट. तो आज हम लोग ने पढ़ा कि सीवी कैसे होता है, क्या होता है. पहली बार आई थिंक तुम लोग ने सीवी देखा भी होगा कि सीवी क्या होता है और उसका यूज क्या होता है ना. यस मैम, हम पहली बार ही देखे. हाँ और समझ आ गया? यस मैम, समझ में आ गया. ओके ठीक है. तो अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू, मैं अभी बता दे रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, अब सेकेंड क्लास हमारी रहेगी. आपको एक रफ रिज्यूमे बनाना होगा अपना अपना ही. सर्च ऑन गूगल फॉर टेम्पलेट्स, डिस्कवर न्यू आइडियाज, कम अप विद क्रिएटिव राइटअप्स. आपको अपना ही रिज्यूमे बनाना होगा, और आप गूगल पे टेम्पलेट्स भी सर्च कर सकते हो, और अपने नए नए आइडियाज भी उसमें ला सकते हो कि आप मुझे बताओगे कि आप क्या लिख सकते हो. फिर वंस दे आर डन विद द रिटन पार्ट, लिसन एंड चेक व्हाट यू हैव, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या लिखे हो, और उसके आप फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके गुड और बैड पॉइंट्स क्या हैं. देन आफ्टर दैट टेल द रिटन एंड आस्क देम टू डू द करेक्शन. फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या गलत लिखा है और क्या आपके करेक्शंस हैं, ठीक है मैम. हमें अपना ऑनलाइन से रिज्यूमे बनाना है. हाँ
मैम हम पे जैसे आपने बनाया था ऑनलाइन रिज्यूमे, वैसे हमें भी आप बनाना है। रिज्यूमे हाँ ऑनलाइन भी बना सकते हो, लेकिन कल की क्लास में होएगा, आज आज नहीं करना है आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू।